दोस्तों, मैं रितु और आप देख रहे हो रितु बालकनी गार्डन। दोस्तों, आज मैंने कुछ चार पांच पौधे लाई हूँ, ये उसके रिपोर्टिंग कैसे करना वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये गुड़हल का पौधा है और ये जेरेनियम है और ये गेंदा है और एक ये छोटा गेंदा है और ये डैंथस है। दोस्तों ये देखिए, इसकी मैं रिपोर्टिंग अलग अलग करूँगी और उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, अभी मैं आपको जासवन के पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करना चाहिए, उसकी सॉइल मिक्स कैसी रहना चाहिए, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए, ये गार्डन सॉइल है दोस्तों, और 50% 20% रेत है और वर्मी केचुए की जो खाद रहती है वो है दोस्तों, और ये राख है। और आप ये थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद है वो भी डाल दी, और ये नीम खली है दोस्तों। नीम खली इसलिए डालते हैं कि अगर पौधे में अगर कुछ फंगस लग गया हो तो वो उससे ठीक हो जाता है। ये देखिए, और ये जो मैंने किचन वेस्ट से जो बनाई थी वो है ये दोस्तों। ये देखिए, इसमें भी केचुए बहुत हो गए हैं। मैंने बहुत से वीडियो में बताई थी कि मेरे जो किचन वेस्ट है उसमें मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी थी तो उसमें केचुए होंगे, तो इसमें भी केचुए तैयार हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए, पहले इसको गमले में है थोड़े से पत्थर रख दीजिए नीचे छेद कर कर, और उसमें ये मैंने सूखी ये डाली हूँ पत्तियाँ, ये रख दीजिए दोस्तों। इससे अगर पत्ती अगर डाले तो नीचे सूख जाती है, तो ये अपने आप ही इसमें खाद तैयार हो जाती है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरे जासून के पौधे के लिए मैंने मिट्टी तैयार कर रही हूँ। थोड़ी सी राख और इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। राख से इस पौधे में कैल्शियम मिलेगा दोस्तों इस पौधे को। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी। जासून के पौधे को 12 इंच के गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि जासून का पौधा बहुत बढ़ता है, तो इसीलिए। ये देखिए दोस्तों, इसको बीचों बीच ऐसे रख दीजिए और इसमें मिट्टी डालिए। और ये भी मैंने पूरे पौधे लगाना है तो ये मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हूँ दोस्तों। ये देखिए, ऐसा थोड़ा सा इसको दबा दीजिए, अगर अंदर कुछ गैप अगर रह गई है तो वो इससे हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको कुछ दिन 4-5 दिन छांव में रखिए, तो ये पौधा सेट हो जाएगा। और उसके बाद अब इसको धूप में रखिए,
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।